हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये नाम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, टायरलेस सोल, टायरलेस सोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं नवंबर के दूसरे हफ्ते का सेकंड पार्ट कवर करूंगा। कल पेपर है ओआईसीएल का, उसमें भी ये यूजफुल होगा। आने वाले जो एग्जाम है आईबीपीएस पीओ मेंस इत्यादि सब में बहुत यूजफुल होगा। तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप नवंबर के फर्स्ट वीक के तीनों पार्ट और नवंबर सेकंड वीक का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कल अपलोड किया था उसे देखना ना भूलें। एसएससी बैंक पीओ यूपीएससी और विभिन्न अन्य एग्जाम्स के लिए हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। सारा कोर्स वीडियोज के रूप में कवर किया गया है और लगभग 450 से ज्यादा वीडियो अब तक हम दे चुके हैं वेबसाइट और पेनड्राइव के अंदर मिला के। ये नंबर आपको डायल करना है अगर आप कोई भी पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, अब से हर वीडियो में मैं एक स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करूंगा स्टैटिक जीके, क्योंकि वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। अब जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लेता हूं, मध्य प्रदेश में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अब ये मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं क्वेश्चन कवर करूं उसके साथ साथ आप कवर नहीं कर पाएंगे। नेशनल पार्क तो हर राज्य में 3, 4 या 5 होते हैं, वो बताना आसान है। तो इसलिए आज मध्य प्रदेश की करेंगे, जब अगला वीडियो आएगा उसमें महाराष्ट्र की, उसमें फिर किसी और की, ऐसे। तो फटाफट मध्य प्रदेश में देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद करनी है तो कैसे करनी है, अभी अभी पेपर था LIC DHFL का, उसके अंदर पूछा था भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, और उसमें आंसर था बिहार, बिहार में है भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अभी IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम आया था, उसमें भी पूछा था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी थी, क्या नाम था, चिल चुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे कुछ नाम था, वो कहाँ पे है। तो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, आपको बस ये याद रखना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है और इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप किसी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको ये भी याद रखना है उस राज्य के अंदर कौन से जिले में है। जैसे खेवनी जो है ये देवस और सहोर में है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में, ये सब मध्य प्रदेश के अंदर है। नेशनल चंबल सेंचुरी मोरेना, नौरादेही सेंचुरी सागर, पंचमढ़ी होशंगाबाद, पंचमढ़ी बहुत फेमस स्टेशन है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, पानपत शादोल, पलपुर कूनो, ये बहुत आ रही है एग्जाम में, क्योंकि पलपुर कूनो में जो गिर के जो शेर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में जो है, वहां से शेर लाके यहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कुछ सारे नहीं कुछ शिवपुर में। इसके अलावा बोरी फैन और बगदर सेंचुरी, बोरी होशंगाबाद में है, बगदर होशंगाबाद में नर्मदा नदी भी बहती है, बगदर फैन घाटी गांव सेंचुरी है ग्वालियर, फैन मांडला बगदर सिद्धि, गांधीनगर सेंचुरी मंडसौर, करेरा सेंचुरी शिवपुरी, केन घड़ियाल, घड़ियाल एक खास किस्म का मगरमच्छ होता है, केन एक नदी का नाम है, छतरपुर, केन नदी यमुना में मिल जाती है और यमुना जाके फिर गंगा में मिल जाती है अलाहाबाद में, रतापनी सेंचुरी रायसेन, संजय दुबरी सिद्धि, संजय दुबरी सेंचुरी जो है इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है जिसे हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं, सिंघौरी सेंचुरी रायसेन, सोन घड़ियाल सेंचुरी सिद्धि, सरदारपुर सेंचुरी धार, सैलाना रतलाम, रालमंडल इंदौर, और छा गंगो और वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती जी के नाम पे है जो मशहूर वॉरियर थी मध्य प्रदेश की। तो ये सब याद रखिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है जो गांव के विकास में मदद करेगा, 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। तो ये, और इस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के जो रूरल डेवलपमेंट मंत्री हैं वो हैं गोपाल राय, जिनकी फोटो आप यहां देख रहे हैं, और यही इसके चेयरमैन होंगे। तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के नाम पे एक फिल्म बनी है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, और गवर्नर हैं अनिल बैजल। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी अभी भारत का सबसे बड़ा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एक तरह का सर्वे है ये लॉन्च करा है। इसको लॉन्च करा है NCERT ने, जो आप NCERT की किताबें पढ़ते हैं, NCERT ने 25 लाख स्कूल के बच्चों का सर्वे किया गया है 1.1 लाख स्कूल से, और ये जो बच्चे हैं ये तीसरी क्लास के हैं, पांचवी क्लास के हैं और आठवीं क्लास के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूं, तीसरी क्लास के हैं, पांचवी और आठवीं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि NCERT ने जो अभी अभी सर्वे करा है उसमें इनमें से कौन सी क्लास के बच्चे नहीं है, तो तीन ऑप्शन दे देंगे, थर्ड फिफ्थ और एट्थ, और चौथा ऑप्शन जो भी होगा वो आंसर होगा। NCERT के डायरेक्टर कौन है, ऋषिकेश सेनापति, और इसको CBSE के डायरेक्टर से कंफ्यूज मत करना जो अनीता करवाल है। CBSE अलग है, NCERT अलग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा होती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन,
हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा। ये हमारे मंत्री हैं एजुकेशन के, एचआरडी मंत्री। इनका क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्री। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे 34वें सालाना सम्मेलन होगा एशियन बैंकर्स एसोसिएशन का? पहली बार एशियन बैंकर एसोसिएशन इसको होस्ट कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस बार इसका थीम है, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है, एशिया टर्न टू ट्रांसफॉर्म, यानी अब ट्रांसफॉर्मेशन में एशिया की बारी है। तो इसको होस्ट कर रहा है मुंबई। वैसे तो जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं सबका हेडक्वार्टर मुंबई में, तो इसीलिए मुंबई वाले एग्जाम में नहीं पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कोलकाता वाले, चेन्नई वाले। जैसे चेन्नई में इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है, कोलकाता में अलाहाबाद बैंक का है, यूसीओ बैंक का है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का है, तो ये सब ज्यादा आते हैं एग्जाम में। और अलाहाबाद बैंक की जो चेयरमैन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है उषा अनंत सुब्रमण्यम, जो आपको याद होगा पहले पंजाब नेशनल बैंक की थी, जिन्होंने काफी नाम कमाया और पंजाब नेशनल बैंक के फिर सुनील मेहता बन गए थे। तो ये सब तथ्य याद रखिए। अभी अभी किसने छठा भारत और चाइना के बीच फोरम मीट हुआ था, वो उसका उद्घाटन करा, बेंगलुरु में हुई थी। तो ये व्यक्ति है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनका नाम है सिद्धरमैया। और कर्नाटक का एक फेमस डांस है हत्तारा, और एक है यक्षगन, और एक है डोलू कुनीता। ये तीनों लोक नृत्य हैं कर्नाटक के, तीनों याद रखिए। हट्टारा, दो तरह के नृत्य होते हैं, एक होते हैं फोक डांस यानी लोक नृत्य, एक होते हैं शास्त्रीय डांस यानी कि क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस अलग है, ये सिर्फ आर्ट है, जैसे मोहिनीअट्टम है, जैसे कथकली है, भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल के। लोक नृत्य होते हैं जो काफी बड़े लेवल पे लोग करते हैं, लोक नृत्य, इनमें बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होता कंपेयर टू क्लासिकल डांस। तो कर्नाटक का जो फोक डांस है, एक है हत्तारा, यक्षगन और डोलू कुनीता। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, वाजी भाई वाला गवर्नर हैं, और कई सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। आंसी नेशनल पार्क, एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बीबीएन बनरगट्टा बांदीपुर नगर होले, इस डांडेली टाइगर रिजर्व है, कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व है। तो ये छह तो कम से कम याद रखिए। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है वेज इजी? वेज इजी ये वेजिटेबल की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करेगा और डाइट की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। ऑस्ट्रेलिया क्वैड का हिस्सा है, क्वैड में चार देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मैलकॉम टर्नबुल है प्रधानमंत्री, कैनबरा है राजधानी। एनबीसीसी ने अनाउंस करा है कि वो 10 रेलवे स्टेशन है भारत के, जिन पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा, इनका पुनर्विकास करेगा। कौन से साल तक करेगा ये करेगा 2020 तक। 2020 तक 5000 करोड़ का खर्चा आएगा। ये 10 रेलवे स्टेशन है, दिल्ली सराय रोहिला, लखनऊ, गोमती नगर, कोटा, तिरुपति, नेल्लोर, एर्नाकुलम, पुडुचेरी, मडगांव और थाने। और एनबीसीसी के चेयरमैन हैं एके मित्तल। आज का पहला सवाल बताइए, एनबीसीसी की फुल फॉर्म बताओ। चलो देखते हैं कौन बताता है एनबीसीसी की फुल फॉर्म। हमारे रेल मंत्री और कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल। एजी मिल्खा सिंह, इनका निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? याद रखिए, ये वो वाले मिल्खा सिंह नहीं है जिन पे फिल्म बनी है, जिन्होंने फरहान अख्तर की भूमिका निभाई थी। ये एजी मिल्खा सिंह है, ये तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे। सो आंसर है क्रिकेट। अब ये मिल्खा सिंह की बात हो रही है तो इनके बारे में बता देता हूं। 1960 में हुए थे रोम ओलंपिक्स। रोम क्या है? इटली की राजधानी रोम है, यहां पे हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तरेपन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। और मिल्खा सिंह जो है ये धावक थे, 400 मीटर की रेस दौड़ी इन्होंने और चौथे नंबर पे आए। आपने फिल्म में देख लिया होगा, बहुत कम मार्जिन से रह गए। और रोम में हुए थे ओलंपिक 1960 के, इनमें मिल्खा सिंह ने फोर्थ पोजीशन हासिल की। मिल्खा सिंह के जो बेटे हैं उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह, मैं धावक वाले मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूं। जीव मिल्खा सिंह खेलते हैं गोल्फ। चलिए, इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो बिजली, अगर आप उसको मटेरियल को दबाएंगे तो बिजली निकल पड़ेगी? ये कारनामा करके दिखाया है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। और याद रखिए, इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजिक्स की भाषा में इसको, जब आप किसी चीज को दबाते हैं और उसमें विद्युतीकरण हो जाता है तो उसको बोलते हैं PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहां के खिलाड़ी हैं, एक जगह है यहां पे बेजल, आपने बेजल 3 नॉर्म सुने होंगे। तो बेजल के खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर, जिन्होंने इस साल
विंबलडन जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है फीफा का, लॉजैन में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। रामनाथ कोविंद जो हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, अभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। ये 37वां मेला है। इस बार इसका थीम क्या है? इस बार इसका थीम है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। पहली बात तो पार्टनर राज्य कौन सा है? पार्टनर राज्य है झारखंड और पार्टनर कंट्री कौन सा है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। एक और शहर है यहां पे होचीमिन, और झारखंड है इस बार पार्टनर राज्य, पार्टनर कंट्री है वियतनाम। झारखंड के मुख्यमंत्री है रघुबर दास, द्रौपदी मुर्मू है गवर्नर, और वियतनाम की राजधानी हनोई। केंद्र सरकार जो है वो एक लैंड पूलिंग मेथड यूज करना चाहती है एयरपोर्ट्स के विकास के लिए। अभी तक ये लैंड पूलिंग जो है ये 3 राज्यों में लागू हो चुका है, इनमें से वो कौन सा नहीं है? लैंड पूलिंग ये जो ये है क्या? देखिए, जो जमीन होती है जिनकी, उनको 60-70% जमीन वापस मिल जाती है जब उस पर कुछ रचना हो जाती है उसके बाद, और 30-40% जो जमीन है वो डेवलपर के पास रह जाती है। 60-70% लेकिन वापस हो जाती है, एक बार उस पर कोई विकास हो जाए उसके बाद, इसको बोलते हैं लैंड पूलिंग। 3 अभी तक राज्यों में हो चुका है ये, महाराष्ट्र में, आंध्र में और गुजरात में। उत्तर प्रदेश में अभी तक ये नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो इनका डांस है, रासलीला है, वैसे तो कई डांस है, रासलीला एग्जाम में काफी आता है। यहाँ पे नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है, दुधवा नेशनल पार्क है, और जो महाराष्ट्र की बात करूं, लवणी डांस है यहाँ का, लवणी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, सी विद्यासागर राव गवर्नर है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी डांस है इनका, कुचिपुड़ी, और गुजरात का डांस है जिसे बोलते हैं भवई, भवई। 25वां एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग ये वियतनाम के कौन से शहर में अभी अभी खत्म हुआ है? ये खत्म हुआ है दानांग शहर में, दानांग। और इस बार इसका थीम था क्रिएटिंग न्यू डायनामिज्म फॉस्टरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। अब अगर पूछ लें अगले साल एपेक समिट कहां होगा, वो होगा पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, एपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? सिंगापुर में है। और प्रेसिडेंट कौन है? त्रान दाई क्वांग। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूं, त्रान दाई क्वांग। और आज मेरी रफ्तार भी काफी कम है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आईबीपीएस मेंस के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी जो मंदिर है, मशहूर वैष्णो देवी मंदिर, मिडल हिमालयाज के अंदर है ये, जम्मू कटरा के अंदर है। अगर पूछ लें कहां है तो कटरा में है ये। अब ये बताइए वहां पे एक दिन में कितने श्रद्धालु जा सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं जा सकते, 50,000। 50,000 की लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। और अगर वहां पे कोई गंदगी मचाएगा, लिटरिंग करेगा, तो 2,000 रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये एक तरह का कोर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है एनवायरमेंट के लिए। हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी हैं। और वैष्णो देवी से ऊपर बाबा भैरवनाथ का भी एक श्राइन है वहां पे। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन पूछते हैं एग्जाम में, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जब से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना है तब से यही है, जस्टिस स्वतंत्र कुमार। 12वां ईस्ट एशिया समिट अभी अभी कहां पे हुआ? ये हुआ मनीला में। मनीला है फिलीपींस की राजधानी, यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है ताके ही को नकाओ, और इस बैंक में 4th सबसे ज्यादा स्टेक है भारत का। और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, ये खड़े बीच में। और ये 12वां ईस्ट एशिया समिट था, 12वां ईस्ट एशिया समिट था। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, फ्नोम पेन ये कहां की राजधानी है? कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने अभी अभी एक चावल पर अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला का विमोचन करा, इनॉग्रेशन करा है, राइस फील्ड लेबोरेटरी। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनी है, कहां पर बनी है, ये कौन से देश में बनी है? ये बनी है जिस जगह, आपको जगह का नाम बताना है पहले, तो जगह है लॉस बानोस, और लॉस बानोस है फिलीपींस में। इतना ही नहीं, ये जो चावल पे रिसर्च के लिए प्रयोगशाला बनी है, इसका नाम भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया है, इनको सम्मानित करने के लिए। तो यहां पे चावल के ऊपर रिसर्च होगा, जगह है लॉस बानोस, देश है फिलीपींस।
अभी अभी किसने अपना 10वां वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता जूडो में, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी मराकच मोरक्को में, तो इनका नाम बताना है। अगर पूछ ले ये कहां के हैं तो ये हैं फ्रांस के। इन्होंने 144 लड़ाइयां लगातार जीती हैं, हारे ही नहीं है पिछली 144 लड़ाइयों में। बहुत ही क्या बोलते हैं लेजेंडरी, इतिहास के सबसे बड़े जूडो खिलाड़ी में से एक हैं ये, और जैसे क्रिकेट में सचिन है वैसे ही जूडो में ये हैं। इनका नाम है टेडी राइनर और ये फ्रांस के हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी पार्टी है एन मार्श, राजधानी पेरिस है, जो OECD और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इनमें से कौन सा राज्य है जो एक ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका नाम है सागर कवच? सागर कवच तट रक्षा के लिए कर रहा है, यानी जो कोस्ट लाइन है उसको, उसके लिए कर रहा है। भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, यह भी याद रखिए, सबसे बड़ी तटरेखा। और दो राज्य कर रहे हैं, उड़ीसा कर रहा है और वेस्ट बंगाल कर रहा है। सो आंसर है 3 और 4। वेस्ट बंगाल में है नियोरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा, सिंगई लीला, जल्दापारा, ये सब है वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी है यहाँ की मुख्यमंत्री, केसरीनाथ त्रिपाठी है यहाँ के गवर्नर। चलिए, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एयर इंडिया को 1500 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं है? ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दीनबंधु मोहपात्रा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले एयर इंडिया ने अभी अभी 3250 करोड़ रुपए का लोन लिया है दो बैंक से। एक बैंक है इंडस इंड बैंक और दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और अब लिया है 1500 करोड़ का। और ये सारे तथ्य याद रखिए। अगर पूछ ले कि भाई एयर इंडिया का चेयरमैन कौन है, उनका नाम है राजीव बंसल, इससे पहले थे अश्वनी लोहानी, लेकिन अश्वनी लोहानी अब बन गए हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अशोक गजपति राजू। दीपा कर्माकर को डी यानी लिटरेचर के अंदर एक डिग्री मिली है, ये किसने दी है ये डिग्री? DSC की डिग्री है एक्चुअली, ये कौन से इंस्टीट्यूट ने दी है? दीपा कर्माकर, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, फोर्थ फिनिश किया था इन्होंने पिछले ओलंपिक खेल जो हुए थे उनके अंदर, इनको ये दी है NIT अगरतला ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, और ये इनके डायरेक्टर हैं गौतम विश्वास, दीपा कर्माकर। एक बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे पूछता हूं, दीपा कर्माकर की जो छलांग लगाने की शैली है बहुत ही खतरनाक है, क्या नाम है उस शैली का? हिंट देता हूं, P से स्टार्ट होता है नाम और A से खत्म होता है। दीपा कर्माकर जो छलांग लगाती हैं उस छलांग को क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये छलांग और इसमें जान का भी खतरा रहता है। UN डिसआर्ममेंट ग्रुपिंग, जो ये कंट्रीज को कहता है कि आप अपने हथियार कम करो, यानी डिसआर्ममेंट करो, नॉन प्रोलिफरेशन करो, उनका सम्मेलन हुआ था सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर, इन्होंने ऑटोनोमस वेपन्स के ऊपर यानी स्वचालित हथियारों के ऊपर चर्चा की। यह मीटिंग हुई थी जनेवा में, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की भारत के हैं अमनदीप गिल, और ये कौन है? ये डिसआर्ममेंट के ऊपर भारत के राजदूत हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन। हमारे मंत्री नितिन गडकरी, ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, रेल मंत्री तो पीयूष गोयल हैं, और ये साथ में गंगा की सफाई के लिए, जल संसाधन के लिए, रिवर डेवलपमेंट के लिए भी मंत्री यही हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अनाउंस करा है कि वर्ल्ड बैंक भारत को सिंचाई के लिए कितना धन का लोन दे रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है इसको 1/2 ऑफ ब्रेटन वुड्स ट्विन बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स बंधु में एक IMF आता है और एक वर्ल्ड बैंक आता है, दोनों का हेडक्वार्टर Washington DC में है, अमेरिका की राजधानी, यहीं पे नासा का हेडक्वार्टर भी है Washington DC में, और इसको Washington DC इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रहा है 6,000 करोड़ का। और एक और याद रखिए चीज, नबार्ड जो है ये, इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला और ये बना था 1982 में, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिम योंग किम और CEO हैं कर्स्टीना जॉर्जिएवा। इनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में किसे रखा है? ये एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नई बनेगी, उसमें एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनी है, ओम्बड्समैन जिसे लोकायुक्त बोलते हैं, तो इनमें किसे रखा है? एक है भास्कर गांगुली और दूसरे हैं SY कुरेशी।
तो आंसर है 1 और 4। ये जो एस वाई कुरेशी हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे पहले, ये भी याद रखिए। अभी कौन है? अचल कुमार ज्योति। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है मंत्री, उसके लिए मनेका गांधी। पिलभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है, पिलभीत से निकलती है गोमती नदी। अब ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है, इन्होंने अनाउंस करा है कि ये बाल अधिकार सप्ताह मनाएंगे, चाइल्ड राइट्स वीक मनाएंगे 16 से 20 नवंबर तक। इसका नाम क्या रखेंगे? ये इसका नाम होगा हौसला 2017, हौसला 2017। और ये क्यों मनाएंगे 14 से 20 तारीख तक ही, क्यों 16 से 20 तक क्यों? देखिए, जो चिल्ड्रंस डे होता है वो 14 तारीख को होता है, और जो जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, चाचा नेहरू, और इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स डे होता है 20 नवंबर को। इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स डे होता है 20 नवंबर को। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से भारत जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा, कौन से साल तक? ये नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में बात हो रही है, तो ये बन जाएगा 2028 तक, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि भारत पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2019 तक, किसको पीछे छोड़ के? ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ के। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा 2019 तक, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा 2028 तक। गूगल आर्ट और कल्चर ने अपना पहला लैब एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था फ्यूचर रेलिक्स। कहां पे किया ये कला त्योहार, ये किया इन्होंने मुंबई के अंदर, और ये गूगल जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। और गूगल के जो फाउंडर थे वो थे सर्जे ब्रिन और लैरी पेज, यानी गूगल कंपनी का आविष्कार किया था सर्जे ब्रिन और लैरी पेज ने, और अभी गूगल के सीईओ भी इंडियन है, उनका नाम है सुंदर पिचई। इनमें से कौन से फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं जिन्होंने ब्राजीलियन ग्रां प्री जो साओ पोलो ब्राजील में हुई थी उसको जीत लिया? इनका नाम है सेबेस्टियन वेटल, और सेबेस्टियन वेटल जो है ये फरारी के ड्राइवर हैं, फरारी चलाते हैं ये। लेकिन ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने, जो ब्रिटेन के हैं। और सेबेस्टियन वेटल भी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन है, लुइस हैमिल्टन भी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन है। सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के हैं, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उन्होंने 2 नए डिवीजन बनाए हैं, इनमें से किस चीज पर नजर रखने के लिए? पहला है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन मतलब होता है एक्सट्रीमिज्म, जब किसी को आतंकवाद करने के लिए उकसाया जाता है। और दूसरा है साइबर फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड आजकल चल रहा है, साइबर हैकिंग वगैरह, डिजिटल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो 1 और 2 आंसर है इसका। हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं वो हैं राजीव गाबा, इनसे पहले थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि बन गए हैं भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे कलिंगा सेफ्टी अवार्ड मिला, 8वां ओडिशा स्टेट सेफ्टी कंक्लेव के अंदर? कौन सी कंपनी को मिला ये मिला है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, इन्हें बेस्ट सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला है। और कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम है, कलिंगा उत्कल भी बोलते थे इसे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां पे इस बार एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, और वहां पे भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ओवरऑल नंबर 1 भारत था, नंबर 2 चाइना था, और यहां का मैस्कॉट था ओली, OLLY ओली। और अभी जो गुवाहाटी में ऑल AIBA बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, उसके लिए शुभंकर है गप्पी, ओली ओलिव रिडली टर्टल है, जो उड़ीसा में मिलते हैं गहिरमठ बीच पे। और गप्पी क्या है? ये एक सींग का गैंडा है, जो मिलता है काजीरंगा में और मनास नेशनल पार्क में। ये आसाम की बात हो रही है। इनमें से भारत का पहला हेलीकॉप्टर वाला एक एयर डिस्पेंसरी कहां शुरू हुआ है, मतलब हेलीकॉप्टर के अंदर हॉस्पिटल, ये स्टार्ट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, इसे स्टार्ट करा है DONER, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी ये 2 लोकेशन पे स्टार्ट हुआ है, फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैला देंगे बाद में इसे। एक हुआ है इम्फाल में और एक हुआ है शिलोंग में। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, जहाँ की इरोम शर्मिला और मैरी कॉम है, और प्रदीप कुमार भी हैं यहाँ के। प्रदीप कुमार के जीवन पे मैंने आपको बताया था, एक किताब लिखी है IMHIV पॉजिटिव सो व्हाट, जयंत कलिता ने किताब लिखी है ये। प्रदीप कुमार जो है ये एड्स के शिकार हैं, HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन
उसके बावजूद ये बॉडी बिल्डिंग में खूब सारी प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हैं। और शिलोंग मेघालय की राजधानी है, जहाँ पे खासी गारो जयंती हिल्स हैं, चेरापुंजी है, मोसिन राम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की हुई है आज तक। और मेघालय के अंदर है नोक्रेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क। मणिपुर में है लोकटक लेक। केंद्र सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है जो भारत में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएगा, इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कराएगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम भारत के अंदर। लावी त्योहार ये बड़ी धूमधाम से मनाया गया रामपुर बुशहर में। कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है लावी त्योहार? तो ये 300 साल पुराना त्यौहार है, राजा केसर सिंह के जमाने का, हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। ये वीरभद्र सिंह है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इनका अभी देखना होगा कि ये जीतते हैं कि नहीं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है, ये सब हैं। और यहाँ का एक डांस है जिसे बोलते हैं किन्नौरी नाती। किन्नौरी नाती, इसको नात नातिन के साथ कंफ्यूज मत करना, नात नातिन है बिहार का। ये मुख्यमंत्री हैं लावी त्यौहार। और भी त्यौहार हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, जैसे हॉर्न बिल फेस्टिवल नागालैंड का है, या फिर बतुकम्मा तेलंगाना का है। अशोक खले, इनका निधन हो गया, ये क्या थे, कौन से खिलाड़ी थे ये? इन्हें हम किंग ऑफ द घाट्स भी बोलते थे, घाटों का राजा। ये साइकिल चलाते थे, साइक्लिस्ट थे, साइक्लिस्ट। केंद्र सरकार ने अभी अभी भारत नेट प्रोजेक्ट का दूसरा और आखिरी चरण लॉन्च करा है। कितना पैसा इसमें खर्च होगा, इसका मतलब क्या है, ये भारत नेट प्रोजेक्ट होता क्या है? देखिए, भारत में जितनी भी पंचायत हैं सब में मार्च 2019 तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवेलेबल करवाया जाएगा। ब्रॉडबैंड, वाईफाई नहीं, ब्रॉडबैंड। मार्च 2019 तक भारत की सारी पंचायतों के अंदर। और भारत के टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं अरुणा सुंदरराजन। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 45,000 करोड़। दो चरणों में पूरा होगा ये। पहले में 11,000 करोड़ लग गए और जो बचा यानी 34,000 करोड़ लगेंगे दूसरे चरण में। तो आंसर है 34,000 करोड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर सवाल ये आ गया कि भारत नेट प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है तो आंसर क्या है, 45,000 करोड़। पहले चरण में कितना पैसा लगा, आंसर है 11,000 करोड़। दूसरे चरण में कितना पैसा लगा, आंसर है 34,000 करोड़। क्लियर? हमारी केंद्र सरकार ने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अभी अभी साइन करा है। कौन से देश के साथ? देखिए, एक तो हांगकांग के साथ करा है और एक और देश के साथ करा है, ये देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है सोम। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं अपना 17वां वर्ल्ड टाइटल जीता, इन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया दोहा। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। और दोहा में होगा 2022 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। ये हैं पंकज अडवाणी, सब जानते हैं इन्हें, कर्नाटक के हैं ये। इनमें से पहली महिला प्रेसिडेंट नेस्कॉम की कौन बनी है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है देवजनी घोष। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? आर चंद्रशेखर को रिप्लेस करा है। अब अगर नेस्कॉम का चेयरमैन पूछ ले कौन है, चेयरमैन है रमन रॉय। तो चेयरमैन ही ज्यादा पूछते हैं, प्रेसिडेंट नहीं पूछते हैं, चेयरमैन ज्यादा पूछते हैं। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी है। नेपाल एक हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा था इस देश का, जो 2.5 बिलियन की लागत से बना रहा था, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना रहा था। अब इन्होंने बंद कर दिया, ये नहीं बना रहे। ये प्रोजेक्ट कौन से देश का था? इसका नाम था बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये चीन का प्रोजेक्ट था, तो चीन के मुंह पे तमाचा। और इससे पहले आपको एक बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। म्यांमार जो देश है, यहां पे एक माइट सोन प्रोजेक्ट बन रहा था। मैं रिपीट करता हूं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा। माइट सोन प्रोजेक्ट बन रहा था, ये बांध था माइट सोन, बहुत बड़ा चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। म्यांमार ने मना कर दिया बनाने से, क्योंकि चीन के जो इंटेंशन है वो कोई भी देश आजकल ट्रस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि जब से हम्पन टोटा वाला किस्सा हुआ है श्रीलंका में, सब चीन को शक की निगाह से देख रहे हैं। हम्पन टोटा में जिस तरह से श्रीलंका के साथ बर्ताव किया गया चीन के द्वारा, तो इसलिए म्यांमार ने माइट सोन बनाने से मना कर दिया। और चीन
को अब नेपाल से भी थप्पड़ पड़ा है। नेपाल ने मना कर दिया कि हम बुढ़की गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपको एक बात बताता हूं, नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, यानी चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए नेपाल के अंदर। और नेपाल की प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देववा, और नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। काठमांडू है राजधानी, जो हेडक्वार्टर है सार्का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 कंट्री हैं। पहला ट्रांसजेंडर राजस्थान पुलिस के द्वारा रिक्रूट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इसका ट्रांसजेंडर का? इनका नाम है गंगा कुमारी। इन्हें हम किन्नर समुदाय भी बोलते हैं, कुछ लोग हिजड़ा या खुसरा, कई अलग नाम है ट्रांसजेंडर समुदाय के। एलजीबीटी में आते हैं ये, तो इनका नाम है। एक और पूछ सकते हैं, प्रीतिका याशिनी। प्रीतिका याशिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर बनी है तमिलनाडु के अंदर। और अभी अभी पश्चिम बंगाल में एक जज बनी है, जोईता मंडल, ये भी ट्रांसजेंडर है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज है ये। और जो गंगा कुमारी है, ये इन्होंने 2013 में एग्जाम क्लियर किया था, और ये पुलिस कांस्टेबल है। वर्ल्ड काइंडनेस डे, काइंडनेस होता है मतलब दया करना, मतलब कंपैशन, काइंडनेस। वर्ल्ड काइंडनेस डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये 1998 से मनाया जा रहा है, 13 नवंबर को ये मनाया जाता है। 60 सालों में पहली बार कौन सा देश है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया? वर्ल्ड कप कहां पे होगा अगले साल फुटबॉल का? रशिया में होगा। ये देश है इटली। इटली क्वालिफाई नहीं कर पाया, और 32 टीमें हैं जो खेलेंगी इसके अंदर। अगर पूछ ले कि भाई कौन सा देश है जिसने पहली बार क्वालिफाई करा है अपने इतिहास में, एक तो है पनामा और दूसरा है आइसलैंड। और अभी हमारे फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी प्रशांत धवन, उन्होंने वीडियो बनाया है आइसलैंड के बारे में, जानिए तो जरूर देखना। और दूसरा है पनामा। ये पनामा वही है जहां पे पेपर लीक हुए थे। अभी अभी एक और पेपर लीक हुए जिनका नाम है पैराडाइज पेपर लीक। 36वां अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC, ये नई दिल्ली में होगा 2020 में। इसके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है विजय प्रसाद दीमरी। सबसे पहला जो IGC का कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1878 में हुआ था फ्रांस के अंदर, बहुत पुराना है। और 1964 में भी हुआ था भारत में, नई दिल्ली में 1964 में हुआ था। ये 22वां सेशन था, और ये अब 36वां भी भारत में होगा। ये बताइए कि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो दिल्ली की है, जिसे DDCA बोलते हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजिंग कमेटी, उसमें सरकार की तरफ से नॉमिनी कौन हुआ है? ये कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है गौतम गंभीर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल ने अनाउंस करा है कि वो कमांडेंट लेवल की टॉक्स शुरू करेंगे, इनमें से कौन से देश के? रेंजर्स के साथ। ये देश है पाकिस्तान। और के शर्मा है भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर, यानी चीफ है जो है, तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, सिंध की राजधानी कराची है, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी राजधानी लाहौर है, क्लिफ्टन बीच है यहाँ पे, और ग्वादार बंदरगाह है जो चाइना बना रहा है। इनमें से पश्चिम बंगाल का कौन सा भोजन है, कौन सा ऐसा स्वादिष्ट भोजन है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है कॉमर्स मंत्रालय ने? कॉमर्स मंत्री कौन है हमारे? पहले रेल मंत्री थे, इनका नाम है सुरेश प्रभु। ये है रसोगोला। रसोगोला को मिला है ये टैग। और ओडिशा की सरकार जो है वो कह रही थी कि रसोगोला उनका है, बंगाल की सरकार कह रही थी कि रसोगोला इनका है, लेकिन फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा रसोगोला है बंगाल का, तो उड़ीसा को नहीं दिया अवार्ड ये। और 1868 में नबीन चंद्र दास ने शुरू किया था रसोगोला। इनमें से कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया इंडिया का पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पंजाब सरकार ने शुरू करा है, और ये हुआ चंडीगढ़ में, जो पंजाब की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़, और ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। दूसरी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी मीटिंग हुई। आइलैंड डेवलपमेंट होता है जो टापू होते हैं उनके विकास के लिए एजेंसी है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। और इन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, ये भारत के दो सबसे बड़े आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप है अरब सागर में, इन्होंने कहा हम इनमें 9 टापुओं का विकास करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता करी राजनाथ सिंह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। तो 9 आइलैंड हैं जो इनका, और ये नीति आयोग ने स्टार्ट कराया ये इनिशिएटिव जो है। एक और इंपॉर्टेंट बात, लक्षद्वीप का बहुत ही प्रसिद्ध एक टापू है जिसको बोलते हैं मिनी कॉय।
मिनी कोए में बनेगा एयरपोर्ट। इनमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कंजर्वेटरी पार्क बना रहा है, यानी जो तितलियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक पार्क बना रहा है? ये बना रहा है हरियाणा, हरियाणा बना रहा है। और एक एनजीओ है जिसका नाम है उत्थान, उसके साथ मिलकर बना रहा है। वैसे बता देता हूं, हरियाणा में एक नेशनल पार्क भी बन रहा है, वो बन रहा है मोरनी में, मोरनी पंचकुला के पास एक गांव है मोरनी, वहां पे बन रहा है हरियाणा का एक नेशनल पार्क। हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मनोहर लाल खट्टर है यहाँ के मुख्यमंत्री और कप्तान सिंह सोलंकी है यहाँ के गवर्नर। सबसे कम उम्र के 4 बार मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? इन्होंने अपना 4th टाइटल जीता स्पेन के वैलेंसिया शहर में। इनका नाम है मार्क मार्केज, मार्क मार्केज, और ये होंडा की मोटरसाइकिल चलाते हैं, होंडा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिल गया है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और नालको के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का? कौन सी कंपनी को मिला है? ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, ये जो जॉइंट वेंचर होगा इसका नाम होगा काबिल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, काबिल जो है ये कौन कौन बना रहा है? तो 3 कंपनियां मिलकर बना रही है काबिल को, एक तो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक है MECL और एक है नालको। इसका नाम इन्होंने रखा है काबिल। और काबिल की फुल फॉर्म क्या है? खनिज, कैसे होता है खनिज, खनिज मतलब मिनरल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, यानी काबिल। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जार्डिन लॉयड थॉम्सन ग्रुप के साथ 5 साल का सूचना प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना की सेवाएं बढ़ाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? यह कंपनी है भारत की HCL और इस कंपनी के मालिक है शिव नदार, ये चेयरमैन है, नोएडा में हेडक्वार्टर है इसका। वीरेंद्र संघी, इनका निधन हो गया, ये क्या थे मशहूर? ये एक पत्रकार थे, वीरेंद्र संघी पत्रकार थे और संचार भारती और दूसरे अन्य चैनल्स के लिए उन्होंने काम किया है। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव करा है एक जॉइंट इंटरप्रिटेटिव डिक्लेरेशन, कौन से देश के साथ? ये इन्वेस्टमेंट्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये साइन किया है कोलंबिया के साथ, भारत ने कोलंबिया के साथ साइन करा है। और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का देश है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जिसे आईओरा बोलते हैं, इन्होंने अनाउंस करा है कि भारत में ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। और ये कहां बनेगा? ये बनेगा कोची में। कोची कहां है? केरल में। कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर, इन 3 को स्मार्ट सिटी बना रहा है जर्मनी, और चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी को बना रहा है फ्रांस स्मार्ट सिटी। तो आयोरा का हेडक्वार्टर पूछ लें अगर कहां पे है, ये मॉरिशियस के इबैन में है, EBENE मॉरिशियस, मॉरिशियस की राजधानी हालांकि है पोर्ट लुइस। भारत की क्या रैंक है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर? ये जर्मन वॉच नाम की एनजीओ है बर्लिन में, वो देती है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 6। और भारत से ऊपर कौन से देश हैं? 5, हाइती, जिम्बाब्वे, फिजी, श्रीलंका और वियतनाम। ये हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जिनमें बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी होती क्या है? अगर जलवायु में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए तो कौन से देश बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे? और वैसे आपको बता देता हूं, बर्लिन में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर भी है बर्लिन में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक और ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये किस दिन मनाया गया? इसका थीम था वुमेन एंड डायबिटीज आवर राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर, यानी महिलाओं में डायबिटीज को कैसे हम कम करें, ये थीम था वुमेन एंड डायबिटीज आवर राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर। ये मनाया गया 14 नवंबर को, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। और ये देखिए, ये इसका लोगो है, सिंबल है, ब्लू रिंग, ब्लू रिंग नीले रंग का एक रिंग है, यूनाइट फॉर डायबिटीज जो रिप्रेजेंट करता है। 1991 में शुरू हुआ था वर्ल्ड डायबिटीज डे। कितना अमाउंट अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को
अफगानिस्तान में जो वो उनकी वॉर चल रही है उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, तो ये कितना पैसा अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, ये देगा $700 मिलियन यानी लगभग 5500 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो नेदरलैंड की सरकार के साथ कृषि को बढ़ाने के लिए काम कर रही है? नेदरलैंड एक देश है जिसे हम हॉलैंड भी बोलते हैं, पवन चक्कियों का देश बोलते हैं। हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं डच, DUTCH, और यहां पे जगह है द हैग जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। हिसार एक जिला है हरियाणा में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने अपनी क्रिकेट अकेडमी खोली अभी अभी, कौन से देश में खोली है? इन्होंने खोली है दुबई में, दुबई में खोली है अपनी क्रिकेट अकेडमी, ये इनकी पहली क्रिकेट अकेडमी है। कौन से खिलाड़ी हैं जो ATP वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी मिली, जिन्हें ATP वर्ल्ड टूर फाइनल स्टार्ट हो गए हैं लंदन में? तो ATP यानी दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आज की तारीख में कौन है? इनका नाम है राफेल नडाल। इन्होंने इस साल जीता US ओपन और फ्रेंच ओपन, स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। भारत और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री में सुरक्षा में आपसी सहयोग के लिए एक आर्मी ट्रेनिंग कैप्सूल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करेगा। कहां पे होगा ये? ये होगा पटना में। और पूछें अगर पटना में कहां होगा, पटना में होगा दानापुर कैंटोनमेंट में। बिहार की राजधानी पटना है, यहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, और नदियां हैं बिहार में कुछ, जैसे घाघरा, कोसी, गंडक। कोसी को बोलते हैं बिहार का अतिशोक, ठीक उसी तरह जिस तरह बंगाल का अतिशोक बोलते हैं दामोदर को। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, पार्टी का नाम है JDU, BJP के साथ गठबंधन कर रखा है और छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? इंडिया स्पोर्ट्स ऑनर्स मुंबई में हुआ, तो ये इनका नाम है मिथाली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये, और वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है मिथाली राज का, और वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने का श्रेय जाता है झूलन गोस्वामी को। और हरमनप्रीत कौर पंजाब में बन गई है DSP। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको याद होगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में उसके अंदर। एक चीज और याद रख सकते हैं आप, बेस्ट प्लेयर जो मेल है उसका अवार्ड मिला है आर अश्विन को, रविचंद्र अश्विन। कापा यानी सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बन जाएगा डिपार्चर के लिए। कौन से साल तक बन जाएगा ये? बन जाएगा भारत 2019 तक ही। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं अशोक गजपति राजू, और भारत डिपार्चर और अराइवल दोनों के लिए कब तक बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी मार्केट अगर पूछ ले तो 2025 तक बन जाएगा। ये कहा है IATA ने यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। और कापा के हिसाब से कब बन जाएगा? 2022-23 तक। मैं एक बार फटाफट रिपीट करता हूं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए कापा ने यह कहा है डिपार्चर के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट कब बन जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी मार्केट, अमेरिका और चाइना तो बहुत आगे हैं उनको बीट करना मुश्किल है, तीसरी सबसे बड़ी मार्केट हम बन जाएंगे 2019 तक डिपार्चर के लिए। लेकिन डिपार्चर और अराइवल दोनों के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट कब बन जाएंगे, कापा ने कहा है हम बन जाएंगे 2022-23 तक, और IATA ने कहा है 2025 तक। IATA किसे बोलते हैं? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इनमें से भारत के इक्वाडोर देश में राजदूत कौन बने हैं? अभी ये भारत के कोलंबिया में राजदूत हैं, इनका नाम है रवि बंगर, और इक्वाडोर की राजधानी है कीतो, QUITO। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने एक कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन करा है बैंक ऑफ बहरेन और कुवैत BSC के साथ? ये है पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ, PNB मेटलाइफ। बोरुत पाहोर, ये दूसरी बार कौन से देश के राष्ट्रपति बने अभी अभी? बोरुत पाहोर। इस देश की राजधानी है लजुब लजाना, और ये देश है स्लोवेनिया। करेंसी है इसकी यूरो। नेशनल एजुकेशन डे, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। ये किसका जन्मदिन होता है? ये जन्मदिन होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और इन्हीं का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? क्योंकि ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। और टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। एक और बात, पूरी दुनिया में हम वर्ल्ड टीचर डे यानी कि कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। भारत में टीचर डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। दुनिया में कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, और ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। भारत में तो हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है, बाल दिवस। दुनिया में हम चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं, यानी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब होता है, इसी के आसपास होता है, हिंट देता हूं, कमेंट्स में लिख के बताइए। चौथा एनुअल मिनिस्टेरियल डायलॉग कनाडा के साथ हुआ नई दिल्ली के अंदर। ये भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया भारत को? भारत की तरफ से हमारे कॉमर्स मंत्री, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु इसमें थे। कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ पे एक शहर है मॉन्ट्रियल जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। कनाडा के जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं हरजीत सिंह, और जगमीत सिंह हैं एनडीपी पार्टी के चीफ, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। बैड ग्रामर अवार्ड इनमें से किसे मिला है? इडलर मैगजीन द्वारा ये मिला है ट्रांसपोर्ट फॉर लंडन को, बैड ग्रामर अवार्ड। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव करा है कि वो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम उसका नवीनीकरण करेंगे, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसमें कितना पैसा खर्च करेंगे मार्च 2020 तक? टोटल पैसा खर्च होगा 23,000 करोड़। और हमारे मंत्री कौन है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए? उमा भारती। मैं रिपीट करता हूं, उमा भारती हैं ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए हमारी मंत्री। सईद अजमल, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अब ये कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, T20 वनडे टेस्ट कुछ नहीं खेलेंगे। कौन से देश के हैं ये? तो ये है पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी। वर्ल्ड निमोनिया डे ये किस दिन मनाते हैं? निमोनिया के बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से फैलता है निमोनिया। ये पहली बार मनाया गया था 2009 में, और इसको मनाया जाता है 12 नवंबर को। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में मनाया गया 12 नवंबर को, और हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री भी यही हैं, स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये मनाया जाता है उस दिन को याद करने के लिए जब भारत के एक बहुत बड़े लीडर ने ऑल इंडिया रेडियो पे एक अपना स्पीच दिया था, उद्बोधन दिया था। तो ये कौन है जिन्होंने स्पीच दी थी? ये 1947 में स्पीच दी थी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने कुरुक्षेत्र के लोगों को ये उद्बोधन दिया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहां ये विजिट नहीं कर पाए थे, तो ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। केंद्र सरकार ने अप्रूव करा है एक अपॉइंटमेंट सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन का, सबऑर्डिनेट जुडिशियल के लिए। जो निचली अदालतें हैं उनमें जज की जो सैलरी वगैरह है वो कितनी होनी चाहिए, वो उन सबको डिसाइड करेगा। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है जस्टिस JP वेंकटराम रेड्डी। फनिंद्र समा, ये तेलंगाना के बन गए हैं चीफ इनोवेशन ऑफिसर। ये कौन से स्टार्टअप के को फाउंडर है? ये रेड बस नाम की कंपनी के को फाउंडर है। रेड बस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और निजामाबाद के हैं ये। एक और बात, रेड बस कंपनी को कौन सी कंपनी ने खरीद लिया, अगर पूछ ले 780 करोड़ रुपए में? तो रेड बस कंपनी को खरीद लिया नेस्पर्स ने, नेस्पर्स। आसियान बिजनेस और इन्वेस्टमेंट समिट फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई, किसने लीड किया उसमें भारत को? इसमें गए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है वाराणसी, वाराणसी। सुरेंद्र कुमार सिन्हा, इन्होंने कौन से देश के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया है? क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के। ये थे बांग्लादेश के चीफ जस्टिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तेलंगाना के नए DGP कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये किसी भी IPS ऑफिसर के लिए एक राज्य में सबसे ऊंचा पद होता है। इनका नाम है M महेंद्र रेड्डी। तेलंगाना का त्यौहार है बतुकम्मा, और मुरुगावनी नेशनल पार्क है यहाँ पे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो 500 मीटर का एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे बोलते हैं फास्ट, उससे ये दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों से संचार करेगा? ये देश है चाइना। और आपको बता देता हूं, जो फास्ट है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। अभी अभी एक 1.5 मेगावाट BRR स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये पहला प्रोजेक्ट है लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव के तहत। ये कहां पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है द्रास में, भारत की सबसे ठंडी जगह है द्रास।
और ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में है किश्तवार नेशनल पार्क, यहाँ पे दो डांस हैं, एक तो है दुमहल और एक है राउफ। राउफ एक यहाँ की ट्राइब का नाम भी है। हेमिस नेशनल पार्क है, डचीगम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। पहली बार कौन से राज्य का जो श्रम आयोग है, लेबर कमीशन, उसने सर्टिफाई करा है यहाँ पे बनेगा एक स्टेट आईटी और आईटीईएस एम्प्लॉई यूनियन। ये बनेगा कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर बनेगा ये स्टेट आईटी आईटीईएस एम्प्लॉई यूनियन। पहले भारतीय, भारत में जन्मे भारतीय मूल के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर कौन से हैं जिन्हें अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ने साइन कर दिया है? इनका नाम है भरत खंडारे, भरत खंडारे। इससे पहले एक और थे अर्जन सिंह भुल्लर, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के थे, कनाडा के थे वैसे वो। कई भारत के खिलाड़ी हैं जो धूम मचा रहे हैं, जैसे हरियाणा की एक कविता देवी हैं जो WWE में मतलब खेलेंगी, पहली महिला बनी है। एक जिंदर महल आपने देखा होगा जो चैंपियन है इस वक्त, जिंदर महल जो है ये कनाडा के हैं, वैसे भारत के हैं ये। और भी हैं तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। 10वां साउथ एशिया इकोनॉमिक समिट अभी शुरू हुआ, इसका थीम था डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। ये कहां पे हुआ? SAES समिट, ये हुआ काठमांडू में, और हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, और ये भी गुजरात से राज्यसभा MP हैं। इनमें से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एक सेंटिमेंट इंडेक्स लॉन्च करेगी क्राइसिल, ये एक क्राइसिल इंडेक्स नाम रखा है। तो ये बताइए कि ये MSMEs के लिए कौन लॉन्च करेगा क्राइसिल के साथ मिलके? तो आंसर है सिडबी। और क्राइसिल के अगर पूछ लें कि क्राइसिल का MD कौन है, तो नाम है आशु सुयश। सिडबी के चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफा, और सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी, और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होगी शिकागो में, शिकागो है कहां पे? इलिनॉय राज्य में है अमेरिका के, 2018 में होगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगी तुलसी गबार्ड। ये पहली हिंदू लॉ मेकर है अमेरिका कांग्रेस में, और ये हर 4 साल में एक बार होती है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। टर्नर इंटरनेशनल इंडिया और राजगिरिंग ग्रुप भारत का पहला कार्टून नेटवर्क वाला थीम पार्क बना रहे हैं जिसका नाम है अम्माजिया। ये अम्माजिया कहां पे बन रहा है? ये कार्टून नेटवर्क वाला एक थीम पार्क है, जैसे अप्पू घर है इस टाइप का, ये बनेगा सूरत में और इस पे 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने एक MOU साइन करा है फिलीपींस के साथ, किस चीज में? आपसी सहयोग के लिए। हम एग्रीकल्चर में, कृषि में सहयोग करेंगे। भारत के कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोर्ड ने अनाउंस करा है कि वो सैनिक संक्षेम सभा ऑर्गेनाइज करेंगे हर जिले में, कौन से राज्य के? ये राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सो आंसर है 3 और 4। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ का एक डांस है कुचिपुड़ी, तेलुगु देशम पार्टी के ये लीडर हैं। कीर्ति निधि बिष्ट, इनका निधन हो गया। ये 3 बार प्रधानमंत्री थे कौन से देश के? ये देश है नेपाल। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हमारे खेल मंत्री हैं, इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में जीता था सिल्वर मेडल। पहले विजय गोयल थे खेल मंत्री, अब है राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन्होंने इंडिया यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स और रिपोर्ट को लॉन्च करा है। अब ये बताइए कि जो यूथ की डेफिनेशन है वो क्या है? इसमें कौन से साल तक हम यूथ कहेंगे उस खिलाड़ी को? 15 से 29 साल तक के खिलाड़ी को हम ये कहेंगे यूथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी NIOT, ये भारत का पहला ऑफशोर डीसेलिनेशन प्लांट लगा रहा है। कौन से तट पर लगा रहा है? डीसेलिनेशन मतलब समुद्र में जो पानी है उसमें से नमक अलग करना, उसको बोलते हैं डीसेलिनेशन। ये प्लांट लगेगा एन्नोर में, एन्नोर। और NIOT कहां है? चेन्नई पे है, 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो ये था वीडियो। इस बार मेरी जो गति थी काफी कम थी, आपने नोटिस किया होगा। तो क्या आप ये वाली गति प्रेफर करते हैं या जो फास्ट एकदम होती है वो प्रेफर करते हैं? खैर, मैंने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आपको इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको एग्जाम में ये काम आए। थर्ड वीक भी
26 तारीख से पहले पहले खत्म कर दूंगा दोनों पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि 26 तारीख को बहुत लोगों का IBPS PO मेंस का एग्जाम है, और जिन लोगों का OICL मेंस का एग्जाम है 18 तारीख को है शायद, और जिन लोगों का 19 तारीख को एग्जाम है पंजाब हाईकोर्ट क्लर्क का, तो मैं उन सबको बेस्ट विशेस बोलता हूँ एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।